हेलो जी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज संडे है और आज फीफा वर्ल्ड कप भी है और ये आज मैं भी फ्री हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं समझा, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे पता है कि इट्स बीन 2 months सिंस आई अप्लाइड माई फर्स्ट जॉब और उसके बाद आई गॉट रियली बिजी विथ माई वर्क एंड द ओनली रीजन वाज कि आई नीडेड टू सेव सम मनी फॉर माई नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट है। वो नो मनी ओके क्या। इसके अलावा आई इवन ट्रैवल टू गुजरात और वहाँ की सीन्स भी बहुत अमेजिंग है। अगर मैं बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप खुद ही देखें। यहाँ पे सभी कर्मकांड होता है, जैसे गया में होता है मातृसात पितृसात अस्थि विसर्जन पिंड दान, और ये मुरारी बापू का आश्रम है जो रामकथा बोलते हैं उसका। सो अभी सुबह के 4 बजे हमें वडाल बस स्टॉप पे हम जा रहे बिहार। बस अभी छकड़ा आएगा, हम जाएंगे। तो हम जाएंगे बिहार। इसके आगे की कहानी किसी और लॉग में मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैच का वक्त हो रहा है तो पहले मैच देखेंगे और थोड़ी तैयारी भी करनी है क्योंकि दोस्त भी आ रहे हैं। एंड बाय द वे आई एम सपोर्टिंग मेसी। देखो यार, एम्बाबे को मैं जज नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बट मेसी, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन एम्बाबे एंड मेसी। उसके गेम्स अलग ही लेवल पे भाई। तो बस यही कहना था मुझे। अ ब्रेथ, अ हार्ट बीट। तो आज के ब्लॉग का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि आई एम अ बिग ग्रेट फैन ऑफ ह्यूज फैन ऑफ एक्चुअली ऑफ के सी नाइस्टाइट। उसको देख के मैंने ब्लॉगिंग सीखी है एंड स्टार्ट भी किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो डेली ब्लॉग करता है या डेली ब्लॉग करता था, और मैं आई नेवर थॉट ऑफ डेली ब्लॉगिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई ट्रैवल स्टोरीज। अब इसके आगे मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज ट्रैवल तो मैं पहले से करता था, ब्लॉगिंग मैंने उसको देख के शुरू किया है, एंड मुझे नहीं पता कि आई माइट इवन स्टार्ट डेली ब्लॉगिंग इन फ्यूचर, क्योंकि अभी आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल एंड शेयर माई ट्रैवल स्टोरीज विद यू ऑल। अब तक तो मैं फैमिलीज, फ्रेंड्स और सबके साथ में ट्रैवल करता था, अभी पिछले 1 साल से मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू किया है एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और जितने भी मेरे करीबी थे, everyone was interested in my solo travel stories, so I decided to start a vlog channel जिसमें I can show you my solo travel journey or I can share my solo travel stories। तो बस यही एक reason था I started to vlog। और अगर इस type का vlog बीच बीच में आ जाए तो that doesn't mean कि I started daily vlogging, वो एक सिर्फ part है कि अगर mood में हूँ तो vlog हो गया, अगर नहीं हूँ तो। और हाँ, क्या मैंने आपको बताया कि अगले 10 दिनों के लिए आई एम गोइंग टू उत्तराखंड। तो सीन्स कुछ ऐसे।
होपफुली उसका भी ब्लॉग आएगा तो आप देख सकते हैं. तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैरी क्रिसमस.